हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू बिकम अ क्रिकेटर इन इंडिया। मैंने देखा यूट्यूब पे बहुत कम वीडियोज़ हैं जो इस टॉपिक को कवर करती हैं। मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस दूंगा कि क्रिकेटर कैसे बना जाए। एंड बिलीव मी गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और आर्टिकल सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी और से पूछना नहीं पड़ेगा। बस प्लीज़ आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि इंडिया में हर एक दूसरा बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है, तो ऑब्वियसली ये मुश्किल बहुत होने वाला है, बट नामुमकिन नहीं है। मैं आपको बता दूँ कि क्रिकेट में मौक़ों की कमी नहीं है। क्रिकेट में अंडर 14 से लेकर अंडर 23 तक होता है, तो अगर आप 18-19 साल के भी हैं तो प्लीज़ अपसेट मत होइए, क्योंकि अभी भी आपके पास चांस है। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले पॉइंट की तरफ आते हैं, अर्ली एज। आपको पता होगा कि जितने भी बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं जैसे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, इन्होंने बचपन से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। बचपन से इन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था जब ये 8-10 साल के थे। तो क्रिकेट में आप जितना जल्दी खेलना शुरू करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। बट जिन्होंने जल्दी नहीं शुरू किया, अभी 14-15-16 साल के हैं, तो वो भी निराश ना हैं। मैं एक बात बताता हूँ, देखिए अर्ली एजेस में क्रिकेट स्टार्ट करने का सिर्फ एक फ़ायदा होता है कि आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं, आपको हर तरीके का शॉट खेलना आता है, आपको हर चीज़ करनी आती है, आपको हर चीज़ में आपका परफेक्शन रहता है और थोड़ी सी प्रैक्टिस होती है। लेकिन अगर आप 14-15 साल के हैं और लेकिन आपको बेसिक्स क्लियर है, तो फिर भी आप अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन असली जो गेम होता है वो 14-15-16 साल से शुरू होता है, क्योंकि तभी आपका अंडर 15-17-19 इनमें सिलेक्शन होना होता है, आपको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा होता है। बस मेन चीज़ है कि आपको प्रैक्टिस करते रहना, और जब भी मौका मिले, जब भी मैच हो, आपको अपना बेस्ट देना है, आपको बस परफॉर्म करते जाना है। चलिए अब हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, गेट अ गुड क्रिकेट एकेडमी। देखिए हर सिटी में कोई ना कोई ऐसी एकेडमी ज़रूर होती है जो बिल्कुल फर्जी होती है। वो सिर्फ आपको सपने दिखा देंगे कि हम आपको ज़रूर क्रिकेटर बनाएंगे, हम आपके बच्चे को गारंटी दे रहे हैं, बच्चा कुछ करे ना करे हम क्रिकेटर बना देंगे, और उसके नाम से आपसे बस पैसे लूटते रहते हैं। उनका काम होता है सिर्फ पैसे लूटना। तो आपको ऐसी एकेडमी से बिल्कुल सावधान रहना है, बिल्कुल छानबीन करके, बिल्कुल अच्छे से पता लगा कर पता करें कि उस एकेडमी में अच्छी कोचिंग दी जाती है या नहीं, उस एकेडमी से कोई प्लेयर निकला है या नहीं, कोई प्लेयर उस एकेडमी से डोमेस्टिक खेल रहा है या आगे बढ़ा है या नहीं। अपने बड़े भाई, अपने दोस्तों से पूछें, या नहीं तो अपने स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर से आप पूछ सकते हैं। लेकिन अच्छी एकेडमी का सिलेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वही एकेडमी से ही आपको सब मिलना है, आपको अच्छी कोचिंग मिलनी, आपको कोचिंग मिल रही है, हर चीज़ आपको गाइडेंस पूरा एकेडमी से ही मिलना है। तो एक एकेडमी चुनते वक्त बहुत ध्यान दें, और प्लीज़ गूगल पे अगर आप सर्च ना करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप अपनी सिटी के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। तो आप खुद जाकर पता लगाएं, खुद पता लगाएं कि आपकी सिटी में पॉपुलर एकेडमीज़ कौन सी हैं। एकेडमी का सिलेक्शन करना बहुत अच्छी एकेडमी का सिलेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप गूगल पे, क्योंकि आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन रहती है, तो अगर आप खुद जाके अपनी सिटी में पता लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए अब हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं, फॉलो एथलीटिज्म। देखो आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो और आपको अपनी फिटनेस का, अपने रूटीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपने देखा होगा आपके जितने भी फेवरेट क्रिकेटर्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं। मैं आपको डाइट फॉलो करने के लिए नहीं कह रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप हेल्दी खाओ, रेगुलरली एक्सरसाइज करो, और ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं, सिर्फ वार्म अप और रनिंग और कुछ पुलअप्स वगैरह, मतलब जिससे आपकी स्पाइन खिंचे और आपकी हेल्थ अच्छी हो, आपकी हाइट बढ़े। और अगर स्पेशली आप फास्ट बॉलर हो तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, और आप बुरी आदतों से बिल्कुल दूर रहें, और आप जितना चाहें वो हो सके वो हेल्दी चीज़ें हेल्दी रखें अपने आप को, और क्योंकि फिटनेस, क्रिकेट में फिटनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्लीज़ एक अपना एक दिन का एक अच्छा रूटीन बनाएं, सुबह घूमने जाएं और एक्सरसाइज करें। तो चलिए अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि हमने क्रिकेट एकेडमी भी ज्वाइन कर ली, अब क्या। देखिए इससे पहले जो मैंने 3 पॉइंट दिए, ये 3 पॉइंट का आपको बहुत ध्यान रखना है। ये 3 पॉइंट एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके करियर में। चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि हमने एकेडमी भी ज्वाइन कर ली, अब क्या प्रोसीजर है। देखिए मैं यहाँ पर एक पी को फॉलो करता हूँ, प्ले परफॉर्म प्रोग्रेस। चाहे जैसा भी मैच हो, अगर आपको खेलने का मौका मिला है तो आपको सिर्फ परफॉर्म करते जाना है, आपको सिर्फ अपना बेस्ट देना है, हर कोई आपके सपोर्ट में आएगा, सिर्फ आपको परफॉर्म करना है, खेलना है गेम को। देखिए अभी आप एकेडमी लेवल पे हैं तो आप दूर की बिल्कुल मत सोचिए कि मैं इंडिया के लिए खेलूँगा, मैं IPL में खेलूँगा। आपको अपने प्रेजेंट मोमेंट में जीना होगा। आपको पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए कि आपको अपनी एकेडमी की टीम में आना है।
आपको अपनी अकेडमी की प्लेइंग 11 में आना है, फिर आप अकेडमी की जब एक बार टीम में आ जाएंगे तो आपको वहाँ परफॉर्म करना है, जो अकेडमी टू अकेडमी जो लोकल मैचेस होते हैं वहाँ पे आपको परफॉर्म करना है, फिर लोग आपको जाने लेंगे और जैसे ही लोग आपको जानेंगे वो सब सपोर्ट करेंगे, आपको बताएंगे ट्रायल्स कहाँ हो रहे हैं और आप अपनी अकेडमीज की तरफ से आप ट्रायल्स के लिए जाएंगे और आपकी एज ग्रुप जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रायल्स के लिए सेलेक्ट होंगे। जैसे आपकी एज 16 है तो आप अंडर 17 का दे सकते हैं या उसके अकॉर्डिंग आपकी एज के अकॉर्डिंग आपको ट्रायल्स देने होंगे और अगर उस ट्रायल्स में आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप उन वहाँ के डिस्ट्रिक्ट लोकल मैचेस आप खेल सकते हैं और हो सके तो आपको अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो शायद आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाए, तो आपको पैसे की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देन जैसे ही आप प्रोग्रेस करोगे आपको आपकी स्टेट टीम के ट्रायल्स के लिए भेजा जाएगा जो कि 6 महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार होता है, वो आपकी स्टेट पे डिपेंड करता है आप कौन सी स्टेट में रहते हो। अगर आप वहाँ पे सेलेक्टर्स को खुश कर लेते हो तो आप कह सकते हो कि आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, क्योंकि जैसे ही आप अपनी स्टेट टीम में पहुँच जाते हो आपको आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। अब आप अपनी स्टेट टीम में आ चुके हैं तो आप ये कह सकते हैं कि आपका आधा रास्ता कम्प्लीट हो चुका है। अब इसके बाद आपकी जितने भी स्टेट क्रिकेट के लिए जो ट्रॉफीज़ होती हैं जैसे रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और जितने भी ODI T20 मैचेस होते हैं, अगर आपको इसमें खेलने का मौका मिलता है तो आपको सिर्फ इसमें अच्छा परफॉर्म करना होता है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको कोई IPL में कोई टीम खरीद ले, क्योंकि IPL के ओनर सबसे ज़्यादा नए खिलाड़ियों पे फोकस करते हैं, क्योंकि अगर नया खिलाड़ी ज़्यादा अच्छा क्रिकेटर निकल जाते हैं तो उसके बाद में उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि IPL एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपना टैलेंट दिखाने का और बहुत से प्लेयर्स इंडियन टीम में IPL के थ्रू ही पहुँचे हैं, और अगर आप IPL में भी अच्छा खेल जाते हैं तो 90% चांसेस हैं कि आपको इंडियन टीम के लिए भी कॉल आ जाएगा। और वीडियो के आखिरी में मैं आपको कुछ एडवाइस देना चाहूँगा, एडवाइस समझ लीजिए या टिप समझ लीजिए। तो पहली टिप ये कि ऑनेस्ट बनिए, हार्ड वर्किंग बनिए। बिना हार्ड वर्किंग या और ऑनेस्टी के आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते, इसलिए आपको ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग होना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी टिप ये है कि आप अपने कोच की सुनिए, अपने कोच की इज्जत कीजिए और जो भी कोच कहते हैं आपको, जो भी कोच आपको एडवाइस करते हैं उसको फॉलो कीजिए। तीसरी टिप मैं आपको ये देना चाहूँगा कि प्रैक्टिस रेगुलरली कीजिए, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं हो सकता, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथी और सबसे लास्ट टिप मैं आपको ये देना चाहूँगा कि आप अपने बेसिक्स को जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए। देखिए जैसे मैंने अपने पहले भी पीछे वीडियो में बताया कि बेसिक्स क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी बेसिक्स में मास्टरी नहीं है तो आप एक परफेक्ट क्रिकेटर नहीं बन सकते। आपको जितने भी बेसिक्स शॉट्स हैं वो उसमें आपका परफेक्शन अच्छे से होना चाहिए, जैसे कि आपको जितने भी सारे डिफेंसिव शॉट्स हैं वो अच्छे से खेलने आना चाहिए, जैसे कि पुल हुआ, ड्राइव हुआ, कट हुआ, लेट कट, ग्लैंस, हुक एक्सेट्रा, इन सब में आपका बिल्कुल परफेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से आपको खेलना आना चाहिए। और आप टीवी पे गेम क्रिकेट भी देखकर आप अपने जितने भी बेस्ट प्लेयर्स हैं उनको देख देख कर भी ये सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स के थ्रू क्वेश्चंस पूछिए, मैं ज़रूर उनका रिप्लाई करूँगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।